लंबे समय से दरकिनार की जा रही तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने आखिरकार कांग्रेस आलाकमान के बीच अपनी धाक जमा ली है और अब किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अपने तमाम विरोधियों से काफी आगे निकल चुकी है। दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने किरण चौधरी की ताकत को पहचानते हुए उन्हें हरियाणा से बाहर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से किरण चौधरी को राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त किया गया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद किरण चौधरी काफ़ी खुश नज़र आ रही है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे तमाम नेताओं का धन्यवाद किया है। इसके अलावा किरण चौधरी ने पूरे विश्वास के साथ आगे लिखा कि अब राजस्थान में इतिहास रचने का समय आ गया है, कांग्रेस को वहां दोबारा से सत्ता में लाने का लक्ष्य पूरा होगा और राजस्थान में कांग्रेस की जड़ें और ज़्यादा मजबूत होगी। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से किरण चौधरी को लंबे समय तक हरियाणा में अनदेखा किया गया, जब भी उन्होंने हुड्डा गुट के खिलाफ कोई शिकायत की तो आलाकमान ने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि इसी हफ्ते 20 अगस्त को जारी की गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबरों की लिस्ट में भी किरण चौधरी का नाम नहीं था। तो ऐसे में अब कांग्रेस आलाकमान ने किरण चौधरी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी? तो बता दें, इसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहली बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से पार्टी से नाराज होकर 21 अगस्त को किरण चौधरी ने भिवानी में अपनी रैली में अच्छी खासी भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया था, उसे देखकर आलाकमान काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ और कांग्रेस आलाकमान ने किरण चौधरी की ताकत को समझा। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह यह है कि किरण चौधरी रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के गुट में शामिल है, जो गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लगातार विरोध करता है। इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की हाईकमान में अच्छी पकड़ है और इन दोनों के साथ होने का बड़ा फायदा अब किरण चौधरी को राजस्थान में इस जिम्मेदारी के तौर पर मिला है। यानी सीधा सीधा कहे तो रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा का साथ मिलने की वजह से भी किरण चौधरी को ये जिम्मेदारी मिली है। इधर बड़ी बात यह है कि किरण चौधरी को राजस्थान विधानसभा चुनाव में कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिलने से हरियाणा में शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की ये तिकड़ी एक बार फिर मजबूत होकर उभरी है। कांग्रेस हाईकमान वर्किंग कमेटी में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को पहले ही जगह दे चुका है। अब किरण चौधरी को राजस्थान विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी मिल गई है तो इससे कहीं ना कहीं हुड्डा गुट को एक बड़ा झटका लगा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।